नाजरीन सीटी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज मुमताज खान एमएलए कैंडिडेट चारमीनार ने आज चारमीनार के कॉन्स्टिट्यूंसी के कई इलाकों में उन्होंने दौरा किया और पब्लिक से अपील की कि वो मजलिस को वोट देकर मजलिस के हाथों को मजबूत कीजिए। मीडिया से बातचीत करते हुए चारमीनार कैंडिडेट एमएलए मुमताज खान ने अपने ख्यालों का इजहार अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आज शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, अल्लाह के फजल व करम से मुझे चार मीनार हलके से नुमाइंदगी का मौका दिया गया। मैं इससे कबल भी हल्के याकूतपुरे का 5 मरतबा 25 साल तक एमएलए रहा, 6वीं मरतबा मैं चार मीनार हल्के से मजलिस ने मुझे नुमाइंदगी करने के लिए कहा गया। चार मीनार ऐसा हल्का है, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारे मुल्क के कोने कोने में अगर हैदराबाद की अगर कोई शिनाख्त है तो वो चार मीनार से है। क्योंकि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो टिकटों का ऐलान की, जैसा कि आज बहुत सारे मुनाफिकीन मुखालिफीन आज सरगर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमेशा से मुसलमानों की पसमानदगी को महसूस करते हुए चाहे कोई गवर्नमेंट रहने दीजिए उनसे मुसलमानों के मसाइल को हल करवाने के लिए नुमाइंदगी करके न सिर्फ नुमाइंदगी की बल्कि कामयाब नुमाइंदगी करके मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाते रहे। इसी तरीके से आज हालिया गवर्नमेंट में भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कहने के ऊपर हालिया गवर्नमेंट शादी मुबारक स्कीम वजीफे के जो 200 रुपये थे वो 1000 और 1500 रुपये तक मंजूर करवाए। शादी मुबारक स्कीम में स्टार्टिंग में 50 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, आज अल्लाह के फजल करम से 1 लाख 70 रुपये दिए जा रहे हैं। चूँकि मुसलमान काफ़ी पसमानदा है, शादी मुबारक स्कीम के लॉन्च करने का मकसद यही है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन महसूस कर चुकी थी कि हमारे नौजवान लड़कियां जो शादी ब्याह के लिए माशी तंगदस्ती की वजह से घरों में बैठी हुई हैं उनको एक सहूलत मुहैया करने के लिए ये स्कीम मंजूर करवाई गई। आज मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन न सिर्फ बेसिक कम्युनिटीज से हटकर भी तालीमी मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तरक्की करते आ रही है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का तालीमी मैदान में तरक्की करने का मकसद सिर्फ यही है, चूँकि मुसलमान तालीमी मैदान में काफ़ी पसमानदा हैं वो महसूस करते हुए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खुद अपने इतने इदारे चला रही है कि जहाँ से हज़ारों की तादाद में लड़के और लड़कियाँ वहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि जैसा कि अब इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, इंशाल्लाह मुसलमान एक एक अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में करके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम नुमाइंदों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। शुक्रिया।